हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद अलीजा एंड आई एम शबिस्ता। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड काढ़े की रेसिपी, जो कफ एंड कोल्ड में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काढ़ा बनाना। तो मैं यहाँ ले रही हूँ गाइस 2 कप पानी, और पानी हमने 1 ग्लास के हिसाब से लेना है, या आप 2 कप भी ले सकती हैं। 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग लिए मैंने, और 8 से 10 काली मिर्ची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और 1 बड़ा सा टुकड़ा हमें लेना है अदरक का। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से क्रश कर लेंगे, और सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। और अब हम इन सारे मिक्स स्पाइसेस को बॉयल होते हुए पानी में ऐड कर देंगे। और अब हम ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक, और 3 चुटकी हमें ऐड करना है हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, वो हमें काढ़े में ज़रूर ऐड करना है। और अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और 1 मिनट तक हमें पकाना है हाई फ्लेम पर। और 1 मिनट के बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच गुड़। तो 1 चम्मच गुड़ मैंने ऐड कर दिया है, और गुड़ ऐड करने के बाद गाइस 4 मिनट तक हमें 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर काढ़े को पकाना है, जब तक सारा अर्क पानी में अच्छे से नहीं आ जाता। काढ़े के पकती हो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, और काढ़ा बनकर हमारा एकदम रेडी है। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ, और काढ़े को हम छान लेंगे किसी भी कप में। तो गाइस काढ़ा हमारा बनकर एकदम रेडी है। कफ एंड कोल्ड में या गले में कोई भी हमारी प्रॉब्लम हो, तो इस तरह से आप काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार ले सकती हैं। इसके बाद हमें ऐड करना है 1 टीस्पून लेमन जूस, और अच्छे से मिक्स कर देना है। तो गाइज हमारा होममेड काढ़ा या जिंजर टी बनकर एकदम रेडी है। और आपको आज की होममेड काढ़े की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कुकिंग विद अलीजा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज इस काढ़े की रेसिपी को आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।